पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। आवाम को खाने पीने की चीजों के लिए भी भारी किल्लत उठानी पड़ रही है। महंगाई इतनी है जितनी की पिछले 58 सालों में कभी भी नहीं रही। पाकिस्तानी रुपए ने भी दम तोड़ दिया है। अब ऐसे में जनता पैसे पैसे के लिए तरस रही है और देश पर अरबों डॉलर का कर्ज है जिसे वो चुकाने की हालत में भी नहीं है। अब अगर पाकिस्तान को किसी देश ने भीख नहीं दी तो वो जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। वहीं कंगाल पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जिसको लेकर लगातार कुछ न कुछ खबरें आती ही रहती हैं। पहले खबर ये आई कि पाकिस्तानी अरब देशों में जाकर रोड पर भीख मांग रहे हैं, तो वहीं अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ बच्चे नोट गिनते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस वीडियो को एक यूजर ने शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि पाकिस्तान में डिग्री वालों से ज्यादा भिखारियों की कमाई हो रही है, जिसके बाद बाकी यूजर्स भी जमकर मजे ले रहे हैं। कुछ लोग कोस रहे हैं तो कुछ लोग मीम्स बना रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि कैसे हमारा पड़ोसी मुल्क नफरत और आतंक का शिकार हो गया है और आज हालत ये है कि देश का भविष्य सड़कों पर भीख मांग रहा है। देखिए ये वीडियो। वीडियो में आपने देखा कि कैसे कई बच्चे जमीन पर बैठकर नोट गिन रहे हैं और कई बच्चे नोटों को अपने कपड़ों में बनी जेब से निकाल रहे हैं। अब भले ही इस वीडियो पर लोग मजे ले रहे हों, लेकिन ये वीडियो दिल को ठेस पहुंचाने वाला है। पाकिस्तान की बदहाली दर्शा रहा है कि कैसे विदेश से जो पैसा आता है उससे आर्मी और सत्ता का पेट भरता है और आवाम दाने दाने के लिए तरस रही है। ये वीडियो हुक्मरानों की आंखें खोलने के लिए काफी है जो सत्ता के नशे में मद हैं। उन्हें देखना चाहिए कि पाकिस्तान का भविष्य कहां जा रहा है। क्या इसीलिए भारत के दो टुकड़े हुए थे? क्या इसीलिए अलग देश की मांग जिन्ना ने रखी थी?